Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद, दुआ, प्रार्थना हमेशा आपके साथ और हमेशा रहेगी। आज जिस मूवी का टीज़र मैं देखने जा रही हूँ, एक तो पता नहीं मेरे बातों के साथ क्या मसला हो जाता है, आज जिस मूवी का मैं टीज़र देखने जा रही हूँ, उस मूवी का नाम है शैतान। मुझे लगता हॉरर मूवी है। इस मूवी में स्टार कास्ट जो है, अजय देवगन सर हैं, आर माधवन हैं और ज्योतिका जी हैं। ज्योतिका, जैसे कि आप जानते हैं, तमिल इंडस्ट्री की शान है, बेहतरीन एक्ट्रेस है। और साथ ही साथ इस मूवी की, आई थिंक मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ डायरेक्टर की। और हाँ, इस मूवी की जो डायरेक्टर हैं वो हैं विकास बाल, बेहतरीन डायरेक्टर्स में से। प्रोड्यूस बाय अजय देवगन सर और ज्योतिका जी ने की है, और कुमार मगध फाटक एंड अभिषेक फाटक। ठीक है, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक हर मूवी में मेरा म्यू और मू ऐसा निकल रहा है कभी कभी मैं सोचती हूँ ये वर्ड्स ना, मतलब गो विद फ्लो से भी फ्लो हो जाते हैं। सो एनीवे, म्यूज़िक जो है वो अमित त्रिवेदी सर, उन्होंने म्यूज़िक दिया है इस पूरी मूवी में। तो अभी चलते हैं मूवी के टीज़र की तरफ। कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सब मेरी है। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं, तंदर से लेकर श्लोक का मालिक हूं मैं, नौ लोक का जहर भी मैं, दवा भी मैं। चुपचाप सदियों से सब कुछ देखता एक खामोश गवाह भी मैं रात हूं, मैं शाम हूं, मैं कायनात तमाम हूं। बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक खेल है, खेलोगे? इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। एट मार्च को ये मूवी आएगी तमाम सिनेमाज में। बस सच बताऊँ, मुझे आर माधवन सर बहुत बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर मैंने इनकी लाइक थ्री इडियट देखी, उसमें मैं इनकी और बहुत बड़ी, मतलब जितनी फ़ैन थी ना, डबल फ़ैन हो गई, और बड़ी फ़ैन हो गई उनके साथ। कंगना जी के साथ इनकी मूवी आई थी, वो भी मैंने देखी। तो मैंने बोला यार, इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट ना, मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है इस आर्टिस्ट की एक्टिंग स्किल्स का। अभी तो उनकी वॉइस ने जो मुझे डराया है ना, लाइक सी माय हार्ट पंप इज लाइक दिस। जो आर माधवन सर की वॉइस थी, सच बताऊँ वो शैतान जो टाइटल है ना मूवी का, वो शैतान वाइब्स दी थी यार। यही तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट का क्या डायलॉग डिलीवरी, और क्या उन्होंने उनकी वॉइस ने ना टीज़र को मतलब नेक्स्ट लेवल बना दिया। मैं एक बार तो इसके टीज़र के बजाय कोई पिक्चर में कुछ और डाला था, नहीं, वो नेक्स्ट लेवल हो गया ब्रो। मतलब इट्स समथिंग के वे ब्रो की बोलते गाइस, ऐसा हो गया है कि मतलब मैंने इनकी वॉइस सुनी है, मैं अब वेट करूँगी सच में। 8 मार्च का मैं वेट करूँगी, मैं अपने फ़ोन में ही लाइक 8 मार्च को इवेंट के तौर पे वो मार्क कर दूँगी, ताकि मुझे याद हो, अलार्म लगा दूँगी कि मुझे शैतान मूवी देखनी है। क्योंकि बेहतरीन और जो डायलॉग्स हैं ना, कि मैं वो तो यार वो ऐसे 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 पम्प कर रहा था, और बेहतरीन उन्होंने डायलॉग्स बोला है। और आई थिंक कि जादू वगैरह का है, शैतान है और भटकाएगा, और कोई स्टोरी होगी। अजय देवगन और आई थिंक ज्योतिका जी जो है वो मैरिड कपल होंगी, उनके साथ कुछ ट्रेजिडी होगी, ये कुछ करेगा उनके साथ, या फिर मतलब फक्ड अप हो गया। बिकॉज आई थिंक आई नो डेफिनेटली, टीज़र में इतना मुझे पता चल गया है कि आर माधवन सर ही प्ले कर रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर, विलन का कैरेक्टर, जैसे जो जादूगर हो सकते हैं या आप शैतान सिपत इंसान हो सकते हैं, मतलब यू नो, बहुत भयानक था यार बहुत ज़्यादा।
आप लोगों को कैसा लगा टीज़र? और आप लोग बताएं, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आर माधवन सर की टीज़र, मतलब उनकी जो वॉइस है, वो टीज़र को नेक्स्ट लेवल ले गया और मूवी का सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया? काइंडली मुझे बताया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, और ये शैतान किसी की ज़िंदगी में मत बनिएगा प्लीज़। सो टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।